गाइस मैंने एक पोल डाला था कि भाई मैं ब्लॉग डेस्क के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊं, तो भाई ज़्यादा लोगों ने यस पे वोट किया, तो भाई देखो वीडियो भी आ गया। तो भाई आज हम मतलब बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस ट्रिक जाएंगे ब्लॉग डेस्क पे, उसमें सुपर स्पेशल भी होगा। तो भाई सबसे ईजिएस्ट ट्रिक है भाई ब्लॉग डेस्क का एस्क्रो, आपको बिल्कुल पर्पल लाइन से जंप करना है, पर्पल लाइन से जंप करके आपको पीछे आना है, पीछे जाके आपको डाइव दबा देना है, ठीक है, आप इधर आराम से पहुंच जाओगे। तो भाई एक और इजी ट्रिक आता है रिफायर, ये दोनों गाइस मतलब रिफायर मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो भाई देख लो मैंने इधर से जंप किया, मैं एकदम ब्लॉक के कॉर्नर पे जाके फिर से डाइव लगी है। तो भाई हो गया हमारा पहला ट्रिक, पहले दो ट्रिक्स हो गया हमारा। तो भाई चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक पर, जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। हमारा नेक्स्ट ट्रिक का नाम मुझे नहीं पता, तो भाई देख लो ये एक मज़े वाला ट्रिक है, ठीक है। तो भाई ये मज़े के लिए करना, भाई ये ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है। तो भाई आपको इधर से जंप करना है, तो भाई आप जंप करके इसको भाई ऐसे करके आप वापस आ सकते हो। ये मुझे इसका नाम नहीं पता, तो भाई इसको भाई मज़े के लिए यूज़ करना, ठीक है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे। एडवांस ट्रिक से जान के पहले ना मैं आपको सुपर स्पेशल दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई सुपर स्पेशल मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, ठीक है। तो भाई देख लो ये कैसे करते हैं। तो भाई आपको पहले से एकदम जंप करना है, जब आपको अपना जंप करेगा तो आप उसके पास जाके स्पेशल दबा के डाइव कर देना, भाई देखो वो उड़ के जाएगा। तो भाई मैं एक और आपको क्लिप दिखाऊंगा। सो भाई देख लो इधर भी भाई मैंने जंप किया और भाई डाइव कर दिया उसके पास जाने के आगे ही, भाई स्पैचुला दबा के आप जितनी जल्दी डाइव करोगे ना उतनी अच्छा चांसेस है, आपको समझ में आया होगा। तो भाई मेन चीज़ है भाई प्रैक्टिस, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे। तो भाई प्रैक्टिस कर लेना। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है बटरफ्लाई स्पैचुला। तो भाई बटरफ्लाई स्पैचुला अपन से भी कर सकते हो, या आप नॉर्मल आपके पास कोई इमोट नहीं है तो आप नॉर्मल बॉडी ब्लॉक से भी कर सकते हो। तो भाई ठीक है, आप भाई अब देख लो कैसे करते हैं। तो भाई आपको जब वो आपका अपोनेंट रिफायर एस्प्रो करेगा, आपको जंप करना है, जंप आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आके आप भाई उस पास आते ही स्पैचुला दबा देना तो और भाई ऊपर जाना, ठीक है। तो भाई हो गया भाई हमारा एक और ट्रिक, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट ट्रिक भी स्पैचुला के साथ है, तो भाई आपके पास पंच है तो कुछ भी है तो कर देना, ठीक है। तो भाई ये है भाई, इसका नेम नहीं पता। तो भाई आपको एक साथ स्प्रो करना है और भाई आपको अपने ओपोनेंट की तरफ घूमना है, उसे स्पेशल या पंच मारना है और भाई स्प्रो कर लेना है, ठीक है। तो भाई इजी है भाई बहुत ट्रिक, मतलब ये जो ट्रिक है भाई बहुत इजी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रिक आता है एस फायर। तो भाई आपको अगर पता नहीं ये ट्रिक क्या है तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट ट्रिक है। तो भाई आपको सिंपली इधर जंप करना है, आपको इधर मूव करना है और भाई आपको इधर से डाइव करना है, ठीक है। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ये बहुत आसानी से कर पाओगे। ट्रिपल ब्लॉक रिफायर, तो भाई ये मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक लगता है। तो भाई देख लीजिए भाई ये कैसे करते हैं। तो भाई आपको पहले एक नॉर्मल रिफायर करना है, ठीक है, एकदम भाई नॉर्मल रिफायर जैसे आप करते हो, और भाई आपको बिल्कुल इधर लैंड करना है, ठीक है। फिर से आपको कॉर्नर जंप करना है, ठीक है, आपको फिर से एक छोटा सा रिफायर करना है, आपको ए फिर से ये मतलब एक ब्लॉक की तरफ आना है, ठीक है, एकदम कॉर्नर ब्लॉक की तरफ। फिर आपको फिर से एकदम ब्लॉक से चिपक के करना है ये एक और बार। तो भाई हो गया आपका ट्रिपल ब्लॉक रिफायर। तो भाई हम ब्लॉक डेस्क टीम्स खेलते खेलते मतलब मैंने एक बार कर लिया तो मैं सोच लिया भाई एक बार डाल ही दूँ। अगर ब्लॉक डेस्क टीम्स अभी सबके लिए अवेलेबल है कस्टम पार्टी पे, तो भाई अगर आपने अभी भी ब्लॉक डेस्क टीम्स नहीं खेला कस्टम पार्टी पे जाके, तो जाके खेल लो अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे। ट्रिपल ब्लॉक रिफायर थोड़ा सा हार्ड है, तो अब मतलब आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो तब आपके मतलब ईजी हो जाएगा। तो भाई ट्रिपल ब्लॉक रिफायर के पहले अगर आपने डबल ब्लॉक रिफायर सीख लिया तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। तो भाई देख लो डबल ब्लॉक कैसे करते हैं, वैसे ही ट्रिपल ब्लॉक की तरह ही करना है, ऐसे करके ऐसे इजी हो गया भाई। मैं आपको एक और एक इजी से ट्रिक बताने वाला हूँ। तो भाई ये है डबल ब्लॉक रिफायर। तो भाई दोनों का नाम मैं एक क्यों रख रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो देख लो आपको भाई नॉर्मल रिफायर करना हो, वैसे आप स्पैचुला दबा सकते हो मतलब हेल्प के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रिक है। देख लो भाई आपको सामने एस्प्रो करना है ट्रिपल ब्लॉक के सामने, आपको पीछे जाना है, आपके पास स्पैचुला या जंप इमोट है तो आप कर सकते हो, आपके पास इनविजिबिलिटी है तो आप फिर भी कर सकते हो इनविजिबिलिटी के साथ, स्पैचुला के साथ या जंप इमोट के साथ। जंप इमोट के साथ आप बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। इस ट्रिक को करना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैंने बहुत बार किया भी है मतलब, और मैं आपको और भी दो क्लिप्स दिखाऊंगा इसका, आप अच्छे से समझ पाओ।
वही ना, तो इजी है ट्रिक भाई। मैंने मेरे स्ट्रीम पे भाई इसको दो बार किया है, वो भी ना रो। तो भाई देख लो, मैंने ये एक बार कर लिया। और भाई आप अगर ये ट्रिक सीखना चाहते हो भाई, आपको थो मतलब प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो आप सारे ट्रिक्स पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देख लो इतना ज़्यादा ईजी है भाई, मैंने ये एक और बार कर लिया, ठीक है। तो भाई चलते नेक्स्ट ट्रिक पे। और नेक्स्ट ट्रिक है डबल एस प्रो, मैंने डबल रिफाई दिखाया तो डबल एस प्रो भी देख लो। ये रिसेंटली आप जंप इमोट के साथ कर सकते हो। आपको जंप करना है, आपका जंप इमोट दबाना है, और भाई जब भी ये दो ब्लॉक्स चले जाएंगे तब आपको डाइव कर देना है। तो भाई हो गया भाई आपका डबल एस प्रो। चलते गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये बहुत पुराना ट्रिक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे करके ऐसा आना है, ठीक है भाई। ये बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है, तो आप कर सकते हो। चलते गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे। मेरा सेकंड फेवरेट ट्रिक है, ठीक है, ये डीगो। आपको बिल्कुल ब्लॉक के ये गैप से आपको ऐसे करके आ जाना है, ठीक है भाई। ये बहुत पुराना ट्रिक है, तो आप कर सकते हो। चलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रिक पे। हमारा लास्ट ट्रिक आता है ग्लिच। तो भाई ग्लिच तीन तरह की होती है। एक है ऐसे आपको सामने जाके तीन ऐसे करना है, मतलब बार बार डाइव करना है। और एक है ऐसे मतलब ब्लॉक के सामने जाके डाइव दबा देना है, ठीक है, स्पीड लेके। और भाई एक है ऐसे भाई, आपको ऐसे करके पीछे आना है। तो भाई हमने सारे ट्रिक्स कंप्लीट कर दिया, और अगर कुछ मिस गया तो सॉरी भाई। आपको देख के मजा आया और कुछ सीखने को मिला, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई हाँ, और बिग थैंक्स टू शौर्या दिस टम्बलर, क्योंकि भाई वो उसने बहुत हेल्प की, एंड अगर वो नहीं रहता तो ये वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि भाई उसने भाई सर्वाइव किया था भाई, पूरा गेम भाई उसने सर्वाइव किया था भाई। देख सकते हो भाई मेरे पास मतलब मेरे साथ जो खेल रहा है यही है भाई शौर्या। तो भाई उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आपको अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। मैं उसका चैनल का लिंक और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दोनों ही मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।